वासी का हमारे बीच में बहन बेटी क्या काम कर सकती है, इसका उत्कृष्ट उदाहरण मध्य प्रदेश से बढ़कर पूरे देश में कहां होगा। जहां 300 साल पहले हमारी रानी अहिल्याबाई ने अपने शासन की व्यवस्था में, शासन के संचालन के उस कठिन दौर में जब मुगलों का शासन चल रहा था, जगह जगह पास पास के राज्यों में युद्ध हो रहे थे, ऐसे युद्ध के बीच में भी पेट पालने के साथ रोजगार दिलाने का अभियान उनने प्रारंभ किया। इसलिए माहेश्वरी साड़ी का उनने उद्योग चालू किया, यह अहिल्या माता ने 300 साल पहले अपने उस उपक्रम में जोड़ा था। और कारीगर नहीं थे तो कारीगर कोई हैदराबाद के पास से बुलाए, कोई गुजरात के पास सूरत से बुलाए, कोई महाराष्ट्र से बुलाए, हर जगह से ला करके माहेश्वरी साड़ी। और इसी समय चंदेरी अशोकनगर गुना जिले में वहां पर भी ये साड़ी के उपक्रम चालू हुए, अर्थात रोजगार बढ़ाने वाले ऐसे उपक्रम सदैव चालू होते रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सच्चे अर्थों में कल हमने जो शस्त्र पूजन का काम किया है, आने वाले समय में आप भी घर घर में अपने जहां जिस स्थिति में है, हरेक के हमारे तो देवता भी एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र, इससे अपनी पूरे अपनी पहचान बनाते हैं। और अगल बगल के देशों में हालत देखो, ये जो आज चुनौती का एक बड़ा समय चल रहा है, जब टीवी खोलो तब कहीं ना कहीं धमाका सुनाई देता है, वो धमाका हमको संकेत देता है कि हमने किसी पे कब्जा नहीं किया। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में, जिनने समय के साथ ऐसी कई चुनौतियों को पहचाना भी है। इसलिए लगातार सब सेक्टर में काम कर रहे हैं, देश के अंदर रोजगार बढ़े उस पर भी काम कर रहे हैं, इकोनॉमी सभी सेक्टर से आगे बढ़े उस पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन सेना को भी समर्थ बना रहे हैं और भारत सामर्थ्यशाली बने इस पर भी काम कर रहे हैं। इसलिए सेना की ताजगी के लिए ये भले ही हमारे विरोधी कुछ भी के, इनको अग्निवीर योजना भारी पड़ती है, लेकिन ताजा दम सेना के लिए अग्निवीर योजना स्थापित की जोरदार अभिनंदन करो, इनका नाम नरेंद्र मोदी है। ये ईरान इसराइल ये युद्ध तो अब दिख रहे हैं, लेकिन भारत को सामर्थ्यशाली बनाने के लिए, हमारे देश के लोगों को जोड़ने के लिए, केवल कल्पना करो अगर नरेंद्र मोदी जी अग्निवीर योजना नहीं बनाते तो आप अपना आकलन करो कि क्या हालत होती भारत की, अंदाज आप लगा लो। कई कारणों से हमारी अपनी सैन्य क्षमता की लिमिट लिमिटेड है, लेकिन फिर भी वो कितनी है आपको एक आंकड़ा देना चाहूंगा। 142 करोड़ के देश में, अब 145 बताते लोग, 145 मान लो, 145 करोड़ के देश में भारत अभी वर्तमान में चौथी अर्थव्यवस्था के पास पहुंचा है, आर्थिक रूप से कमी नहीं है। अरे सोने चांदी की तो बात ऐसी है, जामनगर में परसों गरबा देखते तो हमारी 1000 बहनें एक एक किलो सोना पहन के नाच रही थी, ये भारत है, ये आनंद हमारे बीच में। गरबे में बहनों वहां शर्त लगाई कि 1 किलो से जो ज्यादा सोना पहन के आएगी वही बहने गरबा करेगी, तो 1000 से ज्यादा बहने अकेले जामनगर जिले में आ गई। ये है भारत और भारत की ताकत। अभी हमने रिजर्व बैंक का तो बात ही नहीं करी, समाज के अंदर इतना धन है, धन की कमी नहीं है, लेकिन धन से ज्यादा सामर्थ्य की जरूरत है। लेकिन सैन्य क्षमता में अभी देश की केवल 13.5 लाख हमारी सैन्य क्षमता है, और हमारी सब प्रकार की फोर्स जोड़ लो, जो सभी प्रकार के हमारे पैरामिलिट्री से लेकर के सारे लोग, ये केवल 40 लाख है। और आबादी कितनी है हमारी, हमारी आबादी आप अंदाज लगा लो, और उसके उल्टे अगल बगल के इन देशों की हालत देखो, तो ये रेशो बहुत अंतर का है। लेकिन सेना अगर खड़ी करते हैं तो सेना पे खर्च भी होता है, वेतन से लेकर सारी व्यवस्था तक, तो भारत सरकार को यह भी देखना पड़ता है, और संयुक्त राष्ट्र संघ की बाध्यता भी होती है। ऐसे में समान रूप से संतुलन बनाए रखने के लिए माननीय मोदी जी ने ये अग्निवीर योजना चालू करी। वाकई एक बार जोरदार तालियां बजाओ, ये दूरदृष्टि नेता का महत्व है, ये उनका विजन है, इस तरह से भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे कई बात मैं और कर सकता बहुत देर तक, लेकिन आज ही आज में मुझे यहां से भी उज्जैन के अंदर भी सड़क मार्ग भी महंगा पड़ रहा है, तो यहां से हेलीकॉप्टर से अपने को कालिदास उद्यान पहुंचना पड़ रहा है, क्योंकि काम ज्यादा है, समय की कीमत है। और हम तो वैसे भी कालों के काल महाकाल की नगरी है, महाकाल की नगरी अर्थात हरेक का समय नियत है, हर चीज का समय नियत है, हम में से जितने भी बैठे हैं सबका जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय नियत है, ना कोई बढ़ा सकता है ना कोई घटा सकता है,
लेकिन अपने समय का सदुपयोग करते हुए हम अपनी सनातन संस्कृति को लगातार बढ़ाते रहे, इस बात की अपेक्षा है। मेरी अपनी ओर से दशहरे के पावन पर्व पर आप सबको शुभकामनाएं, और ग्रामीण क्षेत्र में तो नया सूर्य उगा है, जोरदार ताली बजाओ। 4,000-5,000 बहनों का एक कारखाना, और ये भी बीच सेंटर में, इधर पंत पीपलाई इधर उज्जैन। जब यहां से कारखाने की शुरुआत होगी तो बचेगा क्या? और ये नवाखेड़ा पंचायत तो ऐसी भाग्यशाली है, जोरदार ताली बजाओ नवाखेड़ा वालों के लिए। स्टार होटल भी आपके क्षेत्र में, और ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री भी आपके क्षेत्र में, पूरा क्षेत्र चकाचक हो रहा, और अब तो 6 लेन भी आ रहा। जोरदार अभिनंदन करो, कितने प्रकार से काम कराओगे। देखो इधर से रोड, उधर से रोड, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बताओ कितने तीतर, कहां कहां विकास की बात करो, कितने प्रकार से बुलाओ। हर जगह से आपको एक ही आवाज आ रही कि समय का सदुपयोग करो और आगे बढ़ो। मेरी अपनी ओर से पुनः शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।